तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय हैप्पी मैरिज लाइफ के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K व्यू और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मैं इसका एपिसोड नेक्स्ट जो होगा वो जल्द ही लेके आऊँगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एपिसोड के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इस एनिमेशन को मैं वहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पर कियो और मियो की शादी जो है वो हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारा कियो है वो बचा कर लेके आ गया था मियो को। मियो के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे उसकी बड़ी छोटी बहन ने और उसकी सौतेली माँ ने। उसके बाद जो कोची होता है वो उसके पास जाता है और वहाँ पर उसको बोल देता है, और उसकी हेल्प से, कियो और कोची की हेल्प से, वो दोनों जो है उसे जो है छुड़ा लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद उन सभी दोनों की शादी हो जाती है फाइनली। अब हम इसके आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो सोच रही होती है कि फाइनली मेरी जो शादी कूडो के साथ हो चुकी है। वो कियो कूडो बोलना चाह रही है। फिर हम देखते हैं कि वो कह रही है कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि जब से उसने अपना हाथ कियो के हाथ में दिया है जब से उसे अच्छा फील हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा खुश है। बट एक दिन यहाँ पर मियो जो है कपड़े सुखा रही होती है बाहर। आज के दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी उसे लग रही है। वो कहती है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। तभी उसे आवाज़ आती है कुछ चीज़ की, तो वो जाके छुपके से देखती है तो उसका हस्बैंड जो कि कियो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। आज जो है उसने छुट्टी ली होती है काम से। कियो जो है पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ है, जिसे देखकर जो मियो होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि आज मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हैं और मैं जो हूँ उनके पास जाना चाहती हूँ, बट मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। यहाँ पर जो मियो होती है वो अपना एक आइडिया लेकर सामने आती है। वो जो है एक ट्रे के अंदर तौलिया और उसके लिए पानी लेकर जाती है। वो कहती है कि आप जो है इस पानी को पी सकते हैं, आपको प्यास लगी है क्या। तो यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि थैंक यू और इस पानी के लिए। अब वो जो है उसके बहुत ही करीब होती है और ब्लस करने लग जाती है। यहाँ पर जो कूडो होता है वो कहता है कि अरे तुम तो पूरा रेड का रेड हो गई हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बुखार तो नहीं है। वो जो है उसका माथा टच करता है और चेक करता है कि वो जो है बिल्कुल ठीक है, बट वो यहाँ पर उसके मजे ले रहा होता है। यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कियो कि चलो तुम ठीक हो, अपना ध्यान रखना, वैसे मैं जा रहा हूँ अब नहाने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है और मियो जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और वहीं बैठ जाती है। अपने हस्बैंड के जाने के बाद मियो जो है वो सोचती है कि मेरा दिल तो बड़ी तेज तेज धड़क रहा था, उनके आसपास आते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे कोई आ जाता है और वो कहता है हेलो कोई है अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मियो दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि कौन है। तभी उसके सामने जो है एक बड़ी क्यूट सी लड़की आ जाती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही लवली हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम मियो है। मेरा नाम जो है वो हाजुकी कूडो है और मैं जो हूँ तुम्हारे हस्बैंड की बड़ी बहन हूँ। तो वो जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है मियो। फिर यहाँ पर मियो जो है वो सोचती है अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरे हस्बैंड की तरह ही। इसकी हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है और इसके पास जो है ब्राउन हेयर भी हैं और ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूरी होती है वो आ जाती है। फिर यहाँ पर वो लड़की उसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उस लड़की ने यूरी को बचपन में देखा था और वो जो है बहुत सालों बाद आज उससे मिल रही है। वो कहती है कि तुम आज भी बहुत ज़्यादा यंग हो। फिर यहाँ जो यूरी होती है वो कहती है कि थैंक यू इसके लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद कियो आ जाता है। वो अपनी बहन को कहता है कि आज भी तुम अभी तक चेंज नहीं हुई। हाजुकी कहती है अपने भाई को कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि आज मैंने छुट्टी ली है इसलिए मैं घर पर ही हूँ। यहाँ हाजुकी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं भैया, क्योंकि आपकी जो दुल्हन है वो बहुत ज्यादा ही क्यूट है, इसीलिए आप जो है यहाँ पर रुक गए हैं। कियो जो है थोड़ा सा गुस्सा सा हो जाता है और कहता है अपनी बहन को, इससे तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है तो तुम चुप हो जाओ। फिर जो हाजुकी होती है वो मियो से बात करने लग जाती है। वो मियो को कहती है तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं तुम्हें मियो कहूंगी। तो मियो कहती है कि कैसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे मियो बुला सकती हो। फिर यहाँ पर जो हाजुकी है वो कहती है कि जो मेरे भाई ने यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारी टीचर हूँ। मियो जो है वो समझ जाती है कि वो जो है यहाँ पर एक टीचर की तरह आई हुई है जो उसे टीचर बनकर सिखाएगी मियो को कि उसे जो है कैसे एक जेंटल वूमन की तरह बिहेव करना होता है। फिर यहाँ पर जो मियो होती है वो सोचती है कि मैं जो हूँ लॉर्ड कूडो की वाइफ हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँगी और घर के अंदर और घर के बाहर भी, इसलिए जो वो कहते हैं वो मुझे मानना चाहिए। और यहाँ पर कियो जो है वो सोचता है कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए मुझे जो है मियो को और भी फैमिली मेम्बर से मिलवाना है, इसीलिए उसे जो है एक जेंटल वूमन की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जेंटल वूमन जो होती है उसके तौर तरीके कुछ अलग तरह से होते हैं और उनका जो कल्चर होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए वो इसके बारे में सोच रहा है। यहाँ जो मियो होती है वो सोचती है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने जो है बहुत सारी चीजें सीखी थी जैसे कि पियानो बजाना और थोड़ा बहुत गेम खेलना, बट उसके बाद जब मेरी मॉम चली गई तो मेरे जो सौतेली माँ ने बहुत ही अजीब बिहेव किया था और मुझे कुछ सीखने ही नहीं दिया। अब मेरे जो हस्बैंड है कियो, अगर वो मुझे सिखाना चाहते हैं कि एक जेंटल वूमन कैसे बिहेव करती है तो मैं वो जरूर सीखूंगी। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर कियो आ जाता है जो यहाँ पर मियो से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई इसके अंदर दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो तुम बता सकती हो, क्या तुम एक जेंटल वूमन की तरह बिहेव करना सीखना चाहती हो या नहीं। यहाँ मियो जो है वो थोड़ी देर के लिए तो चुप रहती है बट वो मन में कहती है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। फिर वो दोबारा पूछता है कियो कि जल्दी बताओ मुझे, तो वो कहती है कि हाँ मैं करूँगी। फिर यहाँ पे जो कियो होता है वो कहता है कि मैंने जो है अपने आप से ही तुम्हारे लिए ट्यूटर ढूंढा है, ट्यूटर कोई और नहीं होती उसकी बैड़ी बहन ही होती है। यहाँ पर जो मियो होती है वो कहती है कि ठीक है जो आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है। फिर कियो जो होता है उसके नज़दीक आ जाता है क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है इससे बात करते समय, तो वो जो है उसके दोबारा फिर से टेम्परेचर चेक कर लेता है। वो कहता है कि तुम फिर से रेड रेड होने लग गई हो। उसके टच करने के बाद जो मियो होती है वो और ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो तेजी से बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई बुखार नहीं हुआ है और आपको जो है मुझे ऐसे टीज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो उसको देखने लग जाती है कियो को। कियो कहता है कि अरे मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे भी शर्म आती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके टीचर को बुलाया जाता है जो उसे सिखाने वाली है। उसका टीचर कोई और नहीं हाजुकी ही होती है जैसा कि हमने पिछले पहले ही बता दिया है आपको। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है मियो का हाथ पकड़ के सबसे पहले उसे एक डांस करना सिखाती है जो कि एक क्लासिकल डांस होता है। अब यहीं पर सीन चेंज होता है, हम तकातुसी फैमिली के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन को। ये ओल्ड मैन जो होता है एक रूम के अंदर बंद होता है, बस ये मरने ही वाला होता है। ये हमेशा जो है बहुत ज्यादा अंधेरे कमरे में रहता है और बहुत ज्यादा डरावना दिखता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्वेंट जो है इस रूम के अंदर आता है और वो उससे पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, आ जाने का क्या कारण है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने नहीं आया हूँ बट आपकी एक परमिशन को लेने के लिए आया हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि बताओ तुम किस परमिशन के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ जो उसका सर्वेंट होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ आपके डर्टीएस्ट गोल को अचीव करने के लिए आया हूँ, आप जो है हमें अलाउ करें अपने उस प्लान के लिए। अब यहाँ पे वो सबसे गंदा प्लान क्या होता है वो तो हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि तुम जो हो सही से बात नहीं कर रहे, थोड़ी सी अपनी जबान को संभाल कर यूज करो। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है वो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ मजिस्ट्रेट के लिए। यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है कि मैं जो हूँ देख नहीं सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। फिर यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है वो कहता है कि जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन कहता है कि तुम जो हो मेरी समाधि को सेट करो,
जमीन के अंदर। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सर्वेंट होता है वो सोचता है कि वैसे भी ये ओल्ड मैन तो बिल्कुल ही जिंदा नहीं है, और इसकी समाधि सेट कर दें तो उसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं पे हमारा सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर ही जाकुगो जो यहाँ पर मियो को बता रही होती है कि मैं तुम्हारी टीचर बनना चाहती हूँ, इसमें कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है। यहाँ मियो जो होती है वो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर तुम मुझे सिखाओगी कि नोबल फैमिली में कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पर जो हाजोकी होती है वो बताती है कि मैं जो हूँ एक वुमन एकेडमी से क्वालिफाई हूँ, यानी ग्रेजुएट हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ। इसके अलावा मुझे तुम्हें एक और चीज़ बतानी है कि जो मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने शादी में फ़ेल हो चुकी हूँ। शादी में फ़ेल होने का मतलब ये होता है कि इसका डाइवोर्स हो चुका है, तो इसीलिए वो बता देती है पहले ही मियो को कि इससे तुम्हें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मियो कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ जो हाजुकी होती है वो किस तरह से नाम लेना है मियो को उसके बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम अपना नाम इस तरह से लोगी कि जिसके पीछे जो है तुम कूड़ो लगाओगी, यानी अब से तुम अपना नाम जो है मियो कूड़ो बताओगी। यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो कहती है ठीक है, बट हाजुकी जो होती है इस बात को सुनकर कि वो उसकी बात मान रही है वो बहुत ज्यादा खुश है। वो कहती है कि है कियो, क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ, क्योंकि घर पर ले जाकर मैं इसे अच्छे तरह से ट्रेन कर दूंगी कि किस तरह से बिहेव करना है। बट यहाँ पर कियो कहता है कि नहीं, तुम नहीं ले जा सकती। यहाँ पर हाजुकी और कियो की बातें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर हाजुकी कियो को कहती है कि मैं इसे ले जाना चाहती हूँ, तुम जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर कियो कहता है मुझे इसकी फिकर होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। फिर हाजुकी कहती है कि अरे ऐसे क्यों बहाने बना रहे हो, मुझे पता है कि तुम इसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए अपने आप से दूर नहीं कर रहे हो। अब ये सारी बातें यहाँ पर मियो सुन रही होती है। यहाँ पर जो कियो होता है वो मियो से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी ध्यान से हमें क्यों देख रही हो। यहाँ पर जो मियो होती है वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो अपने मन के अंदर सोचती है कि कियो जो है वो मेरी बड़ी फिक्र करता है, मुझे जो है जल्द से जल्द खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जो हाजुकी होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, अब जो है तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, अब हमारा जो 2 मंथ बाद है एक पार्टी होने वाली है तो तुम्हें आना है। कुछ लेसन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिए हैं और बाकी के लेसन जो है मेरी बुक में जो छपी हुई है उसके अंदर मिल जाएंगे, वो मैं तुम्हें दे दूंगी और सभी बुक को पढ़कर तुम सीख सकती हो कि एक नोबल फैमिली में कैसा बिहेव करते हैं। इसी सब बातों में शाम हो जाती है और यहाँ हाजुकी जो होती है अपने घर के लिए निकल जाती है। बट यहाँ मियो के दिमाग में तो पार्टी के बारे में होता है, उसने आज से पहले कभी कोई पार्टी अटेंड नहीं करी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। बट वो खुश होती है कि उसके पास एक बुक है जिसके अंदर से वो पढ़कर उन सब चीज़ों के बारे में सीख जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है रात को बैठी होती है बुक्स को पढ़ रही होती है, जो हाजुकी उसे देख कर गई होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियो होता है वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है पढ़ता हुआ। वो सोचता है कि ज़्यादा ये पढ़ाई करेगी तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है, बट उसके चेहरे पर स्माइल होता है क्योंकि जो मियो है उस बुक को पढ़कर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है, जिसे देखकर कियो भी खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने रूम में आकर यहाँ पर ध्यान लगाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो के रूम से आवाज़ें आने लग जाती है। मियो जो होती है वो सो रही होती है, ये रूम के अंदर जाता है और देखता है कि मियो का जो है फिर से बुरा सपना स्टार्ट हो जाता है। वो देखता है कि वो जो है सपने के अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और सबसे माफ़ी मांग रही होती है, फिर से उसके सपने के अंदर लोग उसे टॉर्चर करते हैं। यहाँ जो कियो है उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लग जाता है। वो कहता है कि मियो तो उसाबा फैमिली के लिए एक गिफ्ट के समान है जो मेरे फैमिली में आई है, लोग इसे गिफ्ट ही कह रहे हैं, लगता है इसके पास जो है बहुत सारी पावर है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि कियो जो है अपना हाथ जो है वो टच करता है मियो के हाथ से। फिर जो यहाँ मियो होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि कियो जो है बहुत तेज तेज उसका नाम लेता है। यहाँ पर मियो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ,
तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे रूम के अंदर आ गए हो। यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि तुम जो हो दोबारा सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। हम देखते हैं कि मियो जो है वो दोबारा सो जाती है और कियो अपने रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मियो सुबह जल्दी उठ जाती है। वो कहती है कि याद तो मैं जल्दी उठ गई, बट सपना जो था वो बहुत ही बुरा था। शुक्र है कि यहाँ पर कियो आ गए थे जिन्होंने दोबारा मुझे सुला दिया था। अब यहाँ पर जो मियो है वो कहती है कि चलो अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वो जल्दी से उठकर बहुत सारे काम करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जो कियो होता है वो ब्रेकफास्ट कर लेता है क्योंकि मियो ने ब्रेकफास्ट बना दिया होता है। उस करने के बाद वो मियो से कहता है कि चलो मैं आज जल्दी जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ पर मियो कहती है कि ठीक है, बट यहाँ पर यूरी कहती है कि आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला है, तो आज के दिन आप ज़्यादा काम मत करना क्योंकि आपको जो है बहुत सारी एनर्जी का लॉस होगा। पर हम देखते हैं कि मियो जो है यूरी के सामने कह देती है कि ठीक है मैं काम नहीं करूँगी, बट वो जो है बहुत सारे काम करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि वो कपड़े धोना स्टार्ट कर देती है और बहुत सारे बर्तनों को धोकर उन्हें जो है उसी जगह पर रख देती है। फिर हम देखते हैं कि मियो जो होती है सभी काम को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि एक गुड वाइफ वो होती है जो एक अच्छी मदर भी होती है, वो अपने घर को सपोर्ट करती है और अपने हस्बैंड को भी। और वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड के खाने का भी चिंता करती है और उसके रेस्ट करने का भी, क्योंकि कल सुबह तो हस्बैंड को काम करने जाना होता है, इसीलिए इन सब कामों का ध्यान जो है वाइफ रखती है। फिर हम देखते हैं कि मियो जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है किसी बात को लेकर, क्योंकि जो बुक के अंदर जिस क्वालिटी के बारे में बात किया हुआ था वो क्वालिटी तो मेरे अंदर पहले से ही है, इसीलिए मियो को यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है और वो जो है अपने हस्बैंड का वेट करने लग जाती है कि उसके हस्बैंड आएंगे तो वो उनसे पूछेगी। अब मियो के हस्बैंड आने से पहले यानी कियो के आने से पहले ही हाजागुई आ जाती है। वो कहती है कि बताओ कैसा चल रहा है। मियो कहती है कि मैंने किताब को तो पढ़ लिया बट मुझे भी अभी भी डर लग रहा है पार्टी में जाने से। यहाँ पर हाजागुई कहती है कि अरे तुम्हें इतने ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम हो वैसे रह सकती हो, मैंने तुम्हें अपने आप को चेंज करने के लिए थोड़ी कहा है। फिर यहाँ पर मियो कहती है अच्छा ये बात है क्या, मुझे लगा था कि मुझे अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ दोबारा मियो कहती है कि मैंने जो है किताब पढ़ते वक्त कुछ रियलाइज़ किया अपने बारे में कि मैं जो हूँ बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं करती हूँ, बहुत सोच समझ के बात करती हूँ और बहुत ज़्यादा डरी डरी सी मैं रहती हूँ और मैं अपने बातों को बड़े ही ध्यान से बोलती हूँ। यहाँ पर जो हाजुकी होती है वो कहती है कि तुमने अपने बिहेवियर को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, इतना तो जब मैं पढ़ाई करती थी तब मैंने नहीं किया था, तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो मियो। तुम्हें तो पता ही है कि थोड़े दिन बाद भाई जो है मेरा वो पार्टी के दिन तुम्हें इंट्रोड्यूस कर देगा पूरी फैमिली से, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो मेरी एक बहन बनके रहो। अब जैसे ही यहाँ पर हाजुकी जो होती है उसे बहन का नाम देती है, उसे याद आ जाता है कि उसकी एक छोटी बहन भी हुआ करती थी, यानी कि वो जो है यहाँ पर गोल्ड डिगर के बारे में बात कर रही है, यानी काया के बारे में। काया जो होती है उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है बचपन से। अब यहाँ पर जो हमारी हाजागुई होती है वो फैमिली का भी नाम लेती है और फैमिली के अंदर उसकी जो सौतेली माँ होती है उसके बारे में भी उसको याद आता है। वो जो है इन सब को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर यहाँ पर जो हाजागुई होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा से मैं एक चाहती थी कि एक छोटी मेरी बहन हो जो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बट मुझे छोटा भाई मिल गया जो बिल्कुल उसके अपोजिट है। फिर हम देखते हैं कि मियो जो होती है वो थोड़ा देर सोचने के बाद वो जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि फाइनली मैं जो हूँ अब किसी को सिस्टर बोल सकती हूँ और साथ में कुछ दिनों बाद मेरी जो है फैमिली भी बन जाएगी। फिर यहाँ पर जो हाजागुई होती है वो उसे कहती है कि तुम जो हो बिल्कुल भी चिंता मत लो, तुम जो हो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे अपने दोस्त की तरह बिहेव कर सकती हो और दोस्तों की तरह मुझसे बात कर सकती हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी और पार्टी के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार मैं जो आऊंगी तुम्हारे पास तो और भी चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, और भी बिहेवियर्स के बारे में और भी मैनर्स के बारे में,
हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो जो है अब बाज बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है यहाँ पर हैप्पी होने वाली होती है। फैमिली कौन है, क्योंकि इस फैमिली के अंदर कौन कौन होता है? इस फैमिली के अंदर वो होती है, उसका हस्बैंड होने वाला होता है, और साथ में हाजुकी होने वाली होती है। और पार्टी के अंदर यहाँ पर उसका हस्बैंड जो कि कियो होने वाला है, वो जो है किस किस से उसे मिलाता है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियो होता है वो जो है यहाँ किसी से मिलने के लिए आया होता है। एक्चुअल में जो उसके बॉस होते हैं, जो इस मिलिट्री के हेड होते हैं, वो उसके पास आए होते हैं। इनका नाम जो होता है वो काइटो होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कियो, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे काम के बीच में इंटरप्ट करने के लिए आ गया हूँ। फिर यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो पूछता है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम हो गई है कि आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें जो है वो कीतो के बारे में बताया जाता है। यहाँ जो कीतो है वो जो है जनरल स्टाफ का मेंबर है। उसकी रैंक जो है वो मेजर की है और उसका एज जो होता है वो 40 होता है। इसके फैमिली के बहुत सारे मेंबर जो है मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं। और वो कीतो होता है जो वो सोचता है कि वो जो है एक दिन के अंदर ही मिलिट्री का हेड बनना चाहता है। उसकी ये सोच है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है अपने आप में। फिर यहाँ जो कीतो होता है वो कहता है कियो को कि यहाँ पर जो है हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जो कि चोरी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि अगर इसमें चोरी का मैटर है तो इसमें तो पुलिस जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। हम जैसे मिलिट्री मेंबर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसी भी तरह के चोरी के अंदर। फिर यहाँ जो कीटो होता है वो कहता है कि ये चोरी जो है कोई आम चोरी नहीं है। इस चोरी के अंदर कुछ लोग जो है वो ऑर्डिनरी इंसानों की आत्माओं को चोरी करके उस फॉरबिडन लैंड के अंदर ले जाके रख दे रहे हैं। इस तरह की चोरी में हमें ही कुछ करना पड़े। जैसे ही वो कीतो जो होता है उस बोलता है उस छुपे हुए जमीन के बारे में, तो यहाँ पर कियो की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो जो लैंड होता है वो बहुत ही पुराना लैंड होता है और सबसे छुपा हुआ है, और उसका जो गार्ड करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। अब वो छुपी हुई जो जमीन होती है उसके अंदर जो है बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, और बहुत सारे लोगों की नीचे जो है कब्र बनी होती है। वो लोग जो है मॉन्स्टर उन कब्रों के अंदर से जितने भी बंदे हैं उन्हें निकालते हैं। अगर कोई उनके ऊपर हमला करने जाता है तो वो जो है उनको कंट्रोल कर लेते हैं और बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। यहाँ पे ओगी तो बताता है कि तुमसे आने से पहले हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने उन इवल मॉन्स्टर को ये गिफ्ट के तौर पे दिया था, ये छुपी हुई जमीन। अब लोग जो है वो बहुत ही बुरी तरह से उसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस जमीन पे बहुत सारी पावर है और वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर हैं जो आम जनता है उनकी बॉडी के अंदर से उनकी आत्मा को निकाल कर वहाँ किसी मॉन्स्टर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा चिंता में हूँ। यही बात बताने मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम जो हो उसको कंट्रोल में ले लो इन सब चीज़ों को। यहाँ पर कियो कहता है कि ठीक है सर, मैं जो हूँ इन सब चीज़ों पे कंट्रोल और नज़र रखता हूँ। फिर यहाँ जो कीतो होता है वो कहता है कि ठीक है कियो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है ठीक है सर, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे तक। फिर यहाँ पर ये दोनों जो है अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लग जाते हैं। यहाँ पर जो कीतो होता है वो रास्ते में बात कर रहा होता है कियो की वाइफ के बारे में। यहाँ पर वो पूछता है कि मैंने सुना कि अभी अभी तुमने जो है अपनी शादी तय कर ली है, मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ कियो कहता है कि हाँ, मैंने जो है डिसाइड कर लिया है अब शादी करने का, अब मैं फैमिली के आगे भी रिवील कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही शादी के बारे में बातें करते करते वो जो है अपने हेडक्वार्टर पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर जो ओटाकी होता है वो बोलता है कि जो तुकासी फैमिली का मेम्बर है वो को उसको किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। तो यहाँ पर कियो भी कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि उसको किसी ने मार दिया है, बट ये बताता नहीं है कि इसी ने उसको मारा था तुकासी को। और इन्हीं बातों में हमें पता चलता है कि जो तुकासी का जो बड़ा बेटा था जो उसकी हेल्प करने आया था कोजी की, वो जो है अब यहाँ बन चुका है न्यू लॉर्ड तुकासी फैमिली का। अब जैसे ही यहाँ पर ओकीटो और कियो बात कर ही रहे होते हैं तभी सामने आ जाता है कोजी का बड़ा भाई। यही जो है तुकासी फैमिली का जो है वो बिग मेंबर यानी लॉर्ड बन चुका है। अब हम देखते हैं कि इसकी ड्रेस जो है वो काफ़ी कलरफुल होती है। तो कियो यहाँ पर कहता है कि अरे, तुम्हें ये ड्रेस पहनकर यहाँ हेडक्वार्टर में नहीं आना चाहिए। हमें पता चलता है कि जो ये है वो उसका दोस्त है कियो का। तातासुकी कहता है कि अरे, मैं अभी यहाँ पर कोई ड्यूटी करने थोड़ी आया हूँ, तो मैं जो हूँ कोई भी ड्रेस पहन सकता हूँ।
तो यहाँ पर कियो जो होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, बट तुम एक मिलिट्री के हेडक्वार्टर में आई हो तो ऐसे कलरफुल ड्रेस पहन के नहीं आना चाहिए था तुम्हें। फिर हम देखते हैं कि तातासुकी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली, आगे से मैं जो हूँ ध्यान रखूँगा इसके बारे में, और मैं जो हूँ ऐसा कलरफुल ड्रेस यहाँ पर पहन के नहीं आऊँगा। वैसे ये भी तो सिर्फ फॉर्मल ड्रेस है कूडो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे पहन के मत आना, तो वो कहता है ठीक है अब इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं तभी अंदर से ऑर्डर आता है कि तुम सब अंदर आ सकते हो। अंदर जो होता है वो कोई और नहीं, यहाँ का इम्पीरियर का जो राजा है उसका बेटा होता है जिसका नाम ताताका हीटो होता है, वो एक प्रिंस है इस पूरी जगह का। फिर हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि ये जो है बहुत ही वाइट होता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब ये छोटा था तो ज़्यादातर जो अपना समय था वो उसने कूडो फैमिली में बिताया था, यानी कि कूडो फैमिली जो है उन्होंने इसको पाला है। अब जाके ये जो है यहाँ पर राजा बन चुका है। यहाँ पर जो टाटा हीटो होता है वो कहता है कि तुम लोग जो है अपना सर उठा सकते हो। हम देखते हैं कि सभी लोग अपना सर उठा लेते हैं। कियो कहता है कि यहाँ पर जो टाटा सुकी है वो जो है आपको इंट्रोड्यूस करेगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है मेरा नाम काजू सी टाटा सुकी है और मैं जो हूँ अभी अभी बना हूँ हेड अपनी फैमिली का, और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं जो हूँ आपसे बात कर सकता हूँ और अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। और वो यहाँ पर कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरी फैमिली के एक मेंबर ने इतना बड़ा कमिट क्राइम किया है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरी फैमिली दोबारा से ऐसी कोई क्राइम नहीं करेगी, और कियो से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि उसके साथ भी ये सब चीज़ें हो गई हैं, और मैं जो हूँ सामुराई फैमिली से भी माफ़ी मांग लूँगा जाकर। फिर यहाँ जो कियो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। फिर वो प्रिंस के बेटे से कहता है कि मुझे जो है हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम जो है डिवाइन पावर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। अब डिवाइन पावर क्या होता है ये हिस्ट्री में इन्हें बताया गया है। हिस्ट्री में ये बताया गया है कि ऐसी पावर जो होती है जो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते रहते हैं। पिछली बार की जो राजा थी उन्होंने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी थी इस वक्त पे जब डिवाइन रेवोल्यूशन पावर जो है ट्रांसफ़र हो रहा था, क्योंकि ये पावर जो है गॉड के द्वारा दी गई है तो ये पावर जो है ईवल शक्तियों को भी चाहिए, इसीलिए हमें जो है इसे बिल्कुल ध्यान से ट्रांसफ़र करना चाहिए। पिछली बार जो गलती हुई थी कि उसके अंदर वॉर छिड़ गया था। अब यहाँ टाटा हीटो कहता है कि जो तुम्हारे ओरिजिनल प्रिंस हैं वो तो अभी बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ ख़राब है, तो सारे ऑर्डर जो है मुझे और तुम सबको मिलकर लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अगर डिवाइन रेवोल्यूशन पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हो जनरेशन टू जनरेशन तो तुम्हें जो है बहुत बड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि जी हम लोग बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वैसे ये जो जान जा सकती है वो किसकी जा सकती है क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ जो प्रिंस होता है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद जो टाटा हीटो है वो कहता है कियो को कि मैंने सुना है कि तुमने जो है शादी कर ली है। तो यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है जी मैंने शादी कर ली है। तो यहाँ पर जो होता है प्रिंस वो कहता है कि ठीक है तो तुम जो हो इस बार ध्यान रखना क्योंकि इससे पहले तुम्हारी बहुत सारी दुल्हन तुम्हें छोड़कर चली गई हैं। फिर जो कियो होता है वो कहता है कि जी मैं ध्यान रखूँगा, बट कियो के मन में ये वाली बात जो है अभी भी होती है कि इसके रिवोल्यूशन के अंदर जो डिवाइन रेवोल्यूशन करने वाले हैं उसके अंदर किसी की जान जा सकती है, इसके बारे में वो जो है सोचता है और साथ में अपनी वाइफ के बारे में भी सोच रहा होता है। वो कहता है कि मुझे मियो का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा इस बार। अब ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मैं मांगा से पढ़कर बता रहा हूँ, ये मांगा जो है अभी वेबसाइट पे अपलोड होती है उसको पढ़कर मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर जो है ओरिजिनल एपिसोड चाहिए इसका तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओरिजिनल एपिसोड जो होता है वो हफ्ते में एक बार ही आता है, जैसा कि अभी आने वाला है कल या परसों में। अगर उसको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसको भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। अभी जो है 7वां एपिसोड आने वाला है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।